तो यार जितने भी मेरे स्किनी भाई आई नो आप थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते होगे व्हेन यू ड्रेस अप एंड यू वेयर नाइस क्लोथ्स। बट आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे हैक्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आप स्किनी हो तो आपके फैशन में कोई कमी नहीं रहेगी, बल्कि आप पहले से और ज्यादा बेटर लगोगे। हाय एवरीवन, दिस इज साहिल कुमार एंड आई मेक वीडियोस ऑन फैशन, स्टाइलिंग एंड ग्रूमिंग। एंड इफ यू वांट टू वॉच मोर ऑफ सच वीडियोस, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस ऑन द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। अब जल्दी से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो को डिवाइड करूंगा तीन पार्ट्स में, टॉप वेयर, बॉटम वेयर और शूज में। और जितनी भी चीजें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा उन सभी का Amazon लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो मेक श्योर यू चेक इट आउट, बिकॉज Amazon वार्डरोब रिफ्रेश सेल इज लाइव फ्रॉम 1st to 6th June। तो अभी आपको बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे कि अगर आप स्किनी हो तो आपको किस तरह का टॉप वेयर पहनना चाहिए, बॉटम वेयर पहनना चाहिए या फिर किस तरह से शूज पहनने चाहिए। शुरू करते हैं टॉप वेयर से। अब ज्यादातर लोग शर्ट्स पहनते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं, स्ट्रीट वेयर काफी ज्यादा फेमस था तो लोग ओवरसाइज्ड कपड़े भी पहनते हैं। लेकिन आपको यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप स्किनी हो तो जितना ओवरसाइज्ड कपड़ों से दूर रह सकते हो रहो, क्योंकि वो आपकी बॉडी टाइप के लिए काम नहीं करेगा। आप लूज कपड़े पहन सकते हो पर वो बहुत ज्यादा लूज नहीं होने चाहिए। कोशिश करो आप ऐसी फिटिंग वाले टॉप वेयर पहनो जो कि एकदम स्किन फिटेड ना हो और ना ही बहुत ज्यादा लूज। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने अपने साइज से 2-3 साइज बड़े कपड़े पहने हुए हैं। ऑप्शंस की अगर बात करूं तो आप लाइट कलर्स पर ज्यादा फोकस करो, जैसे कि व्हाइट शर्ट, येलो शर्ट, पिंक शर्ट, स्काई ब्लू शर्ट, क्योंकि ये कलर्स आपके बॉडी टाइप पर सही रहेंगे। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू गो फॉर कलर्स लाइक ब्लैक या फिर नेवी ब्लू, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा और स्लिम दिखाते हैं, तो कोशिश करो कि आप वो कम से कम पहनो। बट ऐसा नहीं है वो बुरे लगते हैं, बस प्रेफरेंस लाइट कलर्स को दो पहले। स्टाइल्स जो आपको पहनने हैं वो है फुल स्लीव कैजुअल शर्ट्स, फुल स्लीव टी शर्ट्स, पोलो टी शर्ट्स आप पहन सकते हो, स्किनी लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन होता है। और आप फ्लैनल्स या डेनिम शर्ट्स भी वियर कर सकते हो क्योंकि वो थोड़ी मोटी होती है तो आप पर बढ़िया भी लगेगी। और ये एक बहुत ही अच्छी टिप है कि आप थोड़े से मोटे फैब्रिक वाले कपड़े पहनो, क्योंकि वो आपकी बॉडी में बल्क ऐड करती है। लेकिन आप अवॉइड करो वी नेक टी शर्ट्स पहनना, उसके जगह आप राउंड नेक पहन सकते हो, वो एक बेटर ऑप्शन है। आप वर्टिकल स्ट्राइप्स भी अवॉइड करो, इंस्टेड गो फॉर बिग चेक्स या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स, ये ऑप्शंस आपके लिए बेटर रहेंगे क्योंकि बड़े चेक्स और जो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स है वो आपको थोड़ा सा ब्रॉड लुक देती है एंड इट विल बी अ बेटर ऑप्शन। एक जो हैक आप टी शर्ट के साथ फॉलो कर सकते हो वो ये है कि कोशिश करो कि आपके टी शर्ट की जो स्लीव्स है वो यहां तक हो जहां आपका ट्राइसेप है, वहां आपका हाथ सबसे ज्यादा मस्कुलर होता है, तो इससे आपके जो हाथ है वो स्किनी नहीं दिखेंगे। और कोशिश करो कि आप ऐसे ड्रॉप स्लीव्स वाली टी शर्ट ना पहनो क्योंकि इसमें आप और ज्यादा पतले लगोगे। ड्रॉप टी शर्ट्स आपकी यहाँ एल्बो तक होती है जिससे आपके हाथ बहुत ज्यादा पतले लगते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक ऑप्शंस जो आपको ध्यान में रखने हैं अपना टॉप वेयर सिलेक्ट करते हुए। तो जब भी अब आप नेक्स्ट शॉपिंग पर जाओगे जो मैं ऑप्शंस बता चुका हूँ, आप कोशिश करो कि वही अपने वार्डरोब में ऐड करो टू लुक बेटर। अब आते हैं बॉटम वेयर पर। तो यहाँ भी बहुत ज्यादा डिफरेंट चीज नहीं करनी, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा लूज बॉटम्स नहीं पहनने, ना ही ओवरसाइज चीजें पहननी है, क्योंकि बहुत ट्रेंड है आजकल बैगी पैंट्स, बैगी कार्गोस पहनने का। उन सब से आप दूर रहो। आप लूज जरूर पहन सकते हो बट नॉट बैगी। कोशिश करो आप स्लिम फिट को प्रेफरेंस दो जो कि कुछ ऐसा दिखता है, या फिर आप स्ट्रेट फिट भी वियर कर सकते हो और वो भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। कोशिश करो आप जीन्स पहनो थोड़े मोटे मटेरियल वाली, आपके लेग्स पर एक अच्छा बल्क ऐड करेगी वो। उसके अलावा आप कार्गोस भी वियर कर सकते हो क्योंकि उसमें जो पॉकेट्स होती है वो भी आपके लेग्स को थोड़ा बड़ा दिखाएंगी। एंड आई बिलीव कि अगर आप स्किनी हो, आपके लेग्स बहुत पतले हैं, तो कार्गो से बढ़िया ऑप्शन आपके लिए कुछ नहीं है। एक बार ये वीडियो देखो जो मैंने कार्गोस पर बनाई थी, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि यहां मैंने बात की है कि आपको कौन से कार्गोस लेने चाहिए, कौन सा ब्रांड बढ़िया है और कौन से कलर्स आप ऐड कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको क्या चीज अवॉइड करनी है व्हेन यू आर स्किनी। तो सबसे पहले तो स्किनी फिट जीन्स जो एकदम पतली होती है आपको उनसे दूर रहना है, क्योंकि उसमें आपके लेग्स साफ साफ पता चलेंगे कि वो पतले हैं। एक और चीज जो आपको ना ही पहनो तो बढ़िया है, एंड इट विल बी शॉर्ट्स। शॉर्ट्स तब ठीक लगते हैं व्हेन यू हैव डिसेंट लेग्स, बहुत ज्यादा पतले नहीं है, बट इफ यू आर स्किनी एंड यू वियर शॉर्ट्स तो वो एक फैशन मिस्टेक होगी। एक चीज और जो आपको अवॉइड करनी है पहनना, वो है कि आप फॉर्मल पैंट्स मत पहनो क्योंकि उसका फैब्रिक बहुत ज्यादा पतला होता है, तो वो चीज कम से कम पहनो। और अगर आप एक फॉर्मल पैंट को चीनों से रिप्लेस कर सकते हो तो वो बेटर ऑप्शन होगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो बॉक्सर शॉर्ट्स पहनते हैं, मतलब कहीं इधर उधर भी जा रहे हैं तो बॉक्सर शॉर्ट्स पहन के निकल लेते हैं, और अगर आप स्किनी हो तो ये बिल्कुल मत करना। एंड दिस वाज ऑल फॉर द बॉटम वेयर। अब चलते हैं शूज की तरफ। जो शूज आपके लिए बेस्ट होंगे वो होंगे एकदम सिंपल और मिनिमल शूज, जैसे कि चक टेलर्स, लो टॉप्स, बूट्स भी ठीक ऑप्शन है,
एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर लोफर्स. लेकिन जो शूज आपको अवॉइड करने हैं वो है चंकी स्नीकर्स, क्योंकि वो आपके लेग्स के सामने बहुत ज्यादा बड़े लगेंगे और उसका रिजल्ट बहुत ही खराब आएगा, आपके लेग्स बहुत ज्यादा पतले दिखेंगे और ऐसा आप बिल्कुल नहीं चाहोगे. ऑल्सो ट्राई टू अवॉइड वेयरिंग हाई एंकल शूज, वो भी चंकी स्नीकर्स वाला काम करते हैं. एंड इसलिए मैंने जो ऑप्शन सजेस्ट किए हैं वो आपके लिए इनफ है किसी भी तरह की आउटफिट क्रिएट करने के लिए, भले ही आप कैजुअल्स पहन रहे हो, भले ही आप थोड़े सा फॉर्मल ऑप्शन पहन रहे हो, और यू आर वेयरिंग समथिंग इन द मिडल. जितने भी शूज मैंने आपको सजेस्ट किए हैं दे आर इनफ. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वन. इफ यू डिड मेक श्योर यू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप. और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फैशन हैक्स फॉर फैट गाइस. आई नो आप में से काफी लोगों ने ये वीडियो मांगी है तो वो भी जल्दी कवर करेंगे. दिस वाज ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू विद अ न्यू वन. टिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून.